तो नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सक्सेस टू यूट्यूब चैनल में। दोस्तों जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मैं आप लोगों को टाइम टू टाइम अपडेट ही करते रहता हूँ। जैसे भी कोई भी यूनिवर्सिटी से ऑफिशियल सूचना आती है या एग्जाम से रिलेटेड कोई भी जानकारी आती है तो मैं आप लोगों को सबसे पहले प्रोवाइड करता हूँ। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को एक जरूरी और महत्वपूर्ण सूचना बताने वाला हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे इस वीडियो में उसके बारे में जानेंगे, तो इससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा दोस्तों, इस समय जो हमारे देश की जो कंडीशन है आप सभी को मालूम है कि 21 दिन के लिए लॉकडाउन प्रक्रिया लागू की गई थी जो कि वो बढ़ने वाली ये है कि रिसर्च के मुताबिक कोरोना से निपटने को भारत में 49 दिन का लॉकडाउन जरूरी है। ये जो आप देख पा रहे होंगे सूचना या आप कह सकते हैं न्यूज, ये बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है, काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है कि 49 दिन के लिए और भी लॉकडाउन हो सकता है। तो आप समझ पा रहे होंगे कितनी प्रॉब्लम होंगी। और एग्जाम से रिलेटेड मैं आपको बता दूं, जिन भी स्टूडेंट के एग्जाम नहीं है या होने वाले थे, ठीक है, तो उनके लिए तो और भी प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि अभी तक 21 दिन का लॉकडाउन था, यानी कि 14 अप्रैल के बाद आप लोगों के जो भी अनाउंसमेंट की जाते हैं यूनिवर्सिटी के साइड से कि आप लोगों के एग्जाम होंगे, लेकिन अब तो फिर से हो जाएगा, 49 दिन का लॉकडाउन हुआ तो आप लोगों के लिए एग्जाम जो है 49 दिन के लिए फिर से लॉकडाउन हो सकते हैं। तो दोस्तों इस सूचना को हम देखते हैं एक प्रूफ के माध्यम से, उसके बाद आगे हम बात करते हैं। पहले दोस्तों जिस न्यूज के माध्यम से ये सूचना वायरल हो रही है तो उस वेबसाइट पे हम आ चुके हैं, यानी कि NBT, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि नव भारत टाइम एक बहुत बड़ी न्यूज वेबसाइट है, ठीक है, और आप लोगों न्यूज उस पर देखते हैं यूट्यूब पे, ठीक है, तो उसके द्वारा ये सूचना बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है और प्रोवाइड भी की जा रही है। तो पहले हम पढ़ते हैं क्या दिया गया है NBT में कि कोरोना से निपटने को भारत में 49 दिन का लॉकडाउन जरूरी। रिसर्च के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि अभी इतना कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, 21 दिन लगभग बीतने ही वाले हैं, अभी कुछ दिन बाकी हैं, लेकिन क्या लगता है कंट्रोल में है? मुझे तो नहीं लगता है, बहुत कम कंट्रोल में है फिलहाल, लेकिन अगर ये कंट्रोल ना हुआ अगर 14 तारीख तक, तो ये लॉकडाउन हमारे गवर्नमेंट जो भी PM मोदी जी हैं उनके द्वारा ये लॉकडाउन की प्रक्रिया 49 दिन के लिए बढ़ाई जाएगी, ठीक है। तो लेट्स सी, देखते हैं कि आगे क्या होता है, फिलहाल पढ़ते हैं हम। कोरोना का खौफ भारत समेत पूरी दुनिया में फैला हुआ। कोरोना की वजह से दुनिया भर में 31,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल कोरोना के खत्मे के लिए अभी तक कोई सटीक वैक्सीन भी विकसित नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लॉकडाउन के जरिए इस बीमारी के प्रसार को रोकने की कोशिश की जा रही है। तो अभी इसकी कोई एग्जैक्ट कोई जो वैक्सीन है वो डेवलप यानी कि विकसित नहीं हुई है, लेकिन इस पर पूरी तरह से वर्क किया जा रहा है, रिसर्च किया जा रहा है। तो फिलहाल लेट्स सी, इसके कोई बात नहीं है, वो तो रिसर्च किया ही जा रहा है, हमारी जो सरकार है वो काफ़ी प्रयास कर रही है। हम देखते हैं एग्ज़ाम की बात करते हैं, तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि न्यूज आप लोग समझ पा रहे होंगे कि फेक नहीं है लगभग, क्योंकि अब ये कंट्रोल नहीं होगा तो 49 दिन के लिए लॉकडाउन होगा, तो आप लोगों के जो एग्ज़ाम है वो 49 दिन के बाद होंगे, यानी कि आप लोगों के एग्ज़ाम फिर वो मई के लास्ट तक होने की संभावना है। अभी फिलहाल एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ये उम्मीद है जब 49 दिन के लिए लॉकडाउन होगा तो आप लोगों के 49 दिन बाद एग्ज़ाम होंगे, ठीक है। एग्ज़ाम होंगे पर थोड़ा लेट होंगे, एग्ज़ाम सभी के होने चाहिए, आई होप, मैं ऐसा करता हूँ सभी के एग्ज़ाम होने चाहिए क्योंकि किसी का फ्यूचर ख़राब ना हो, क्योंकि विदाउट आप लोगों के एग्ज़ाम के रिजल्ट भी अनाउंस नहीं किया जाएगा। तो एग्ज़ाम हों और आप लोगों का अच्छा एग्ज़ाम जाए और आप लोगों के अच्छी मार्कशीट भी आए, यही आशा है। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि आप लोगों के एग्ज़ाम होंगे लेकिन 49 दिन के लिए फिर अगर लॉकडाउन हुआ तो उसके बाद एग्ज़ाम होंगे, नई टाइम शेड्यूल आएगी और यूनिवर्सिटी के साइड से इन्फॉर्मेशन की जाएगी, तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन कर दूंगा, उसके लिए आप डोंट वरी, वी हैप्पी। और हाँ, अगर आपको ये सूचना अच्छी लगी तो लाइक करिए दोस्तों तक, ये वीडियो शेयर करिए जिससे वो भी इन्फॉर्मेशन पा सकें, और हाँ कमेंट करके आप कुछ पूछ सकते हैं उसका रिप्लाई देंगे हम। और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा जिससे आपको इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो आप नेक्स्ट वीडियो में कोई भी इन्फॉर्मेशन कोई भी सूचना आती है मैं आप लोग प्रोवाइड करूंगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मीट यू नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।